बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, शास्त्र में मन को लेकर चर्चा चली। आपके मन में जिज्ञासा बनी होगी, मन को लेकर क्या चर्चा चली, वही आपके सामने कह रहा हूं। शास्त्र में चर्चा चली मन समाहरण यायिनं भन्ते जीवे किं जनयाय। भगवन मन समाधारणता का क्या फल होता है, फल की तो बात समझ में आएगी और आती है, पर बात तो पता चले कि चीज का फल, ये चीज गुण करेगी, चीज का नाम क्या, मन है समाधारणता। मन समाधारणता जिसका फल पूछा गया उसका अर्थ है मन को किसी चीज में। यहां भी एक बात है, किसी अच्छी चीज में सम्यक प्रकार से लगाना, उसको मन समाधारणता कहते। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, फल तो मिलेगा जब मिलेगा, अच्छी चीज में मन को सम्यक प्रकार से लगाना यही तो लगता नहीं, और अच्छी चीज में तो लगता ही नहीं। पर आप तो जानकार श्रावक हो, मैं क्यों कहूं, पर दुनिया की बात तो मैं कह ही सकता हूं। लोग यूं कहते हैं जो बुराई में तो कितना ही मन लगवा लो, खोटे कामों में बुराई में वही रमण करता रहेगा, लगा रहेगा, आएगा भी नहीं लौट करके। और इसे कहें स्वाध्याय में मन लग जा, तू सामायिक में लग जा, धर्म ध्यान में लग जा, माला जाप में लग जा, इसमें हे मन तू लग जा, और फिर आगे आप बता दो लगता है यहां मन या नहीं मन लगता। आपका लगता हुआ श्रावक को अच्छे श्रावक, कोई व्यंग नहीं, मैं तो प्यार में कह रहा हूं, अच्छी बात होगी। मन दुनिया में बुराइयों में व्यर्थ की बातों में वहां जाके लगता है, अच्छी बातों में नहीं लगता। फिर से प्रश्न को सुन लो जो भगवान से किया गया, मन समाहरण या इनं भन्ते जीवे किम जनयाय। मन समाधारणता से क्या फल होता है, सम्यक अच्छी जगह पर अच्छी बात में धर्मचर्या में धर्म क्रिया में वहां अगर मन लगता है किसी का, तो फिर उसका क्या फल होगा। पहली बात थोड़ी सी और कह दूं, बंधुओं
इस मन की स्थिति ऐसी है जैसे कि मक्खी होती है। बड़ा निकृष्ट सा उदाहरण दिया, पर क्या करें, इसका स्वभाव ही ऐसा है मन का। मक्खी की क्या बात है, मक्खी आई उड़ करके और कोई बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ मिठाई रखी हुई थी, वो जो आपके पसंद की हो वो रखी हुई थी, आती उस पर बैठ गई, मुंह मारने लग गई उसके ऊपर, जैसे उसकी लंबी सी जीभ होती है ऐसे ही उसको मारने लग गई, खा रही है, चाट रही है, कुछ कर रही है। व्यक्ति ने यूं कर दिया या पेट भर गया या कोई और ऐसी बात हो गई और वह क्षण भर में उड़ भी गई। अगली बार जो उसने चक्कर लगाया, इधर उधर यहां वहां गई, एक किसी के जख्म था और वहां पीप थी, वहां जा बैठी और वही लंबी सी जीभ और लग गई वहां मारने, आदमी को कष्ट होने लगा। और ये भी मक्खी बैठ जाए तो भी और बीमारी बढ़ जाएगी, पर मक्खी उड़ाओ और फिर वहीं जा बैठी। ऐसा ही स्वभाव है ना भाई मक्खी का, अभी मिठाई पर बैठी थी, इतनी अच्छी उत्तम श्रेष्ठ वहां चाटने लग रही थी और अब वह मवाद पीप के ऊपर जा बैठी, वहां भी वही काम शुरू कर दिया। इस मन की स्थिति बुरा नहीं मानो ऐसी है, एक पल में तो इतना ख्याल आया, ध्यान आया, धर्म का, गुरु का, भगवान का, ये सब बड़ा अच्छा उत्तम, और वहां मन गया चलो भाई समय करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, माला जाप कर दे, गुरुओं के दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, चलो चलते हैं, इतना अच्छा। और यहां आए, यहां से एक भाषा है मतलब स्थान पर गए और जाने के बाद फिर वो दुनिया की याद आ गई। पल भर में यहां आए थे किस काम के लिए और फिर वहां चला गया मन, और फिर वो दुनियादारी की बातें, राग द्वेष की बातें, मोह माया क्रोध की बातें, कुछ कुछ बातें, वो सारी की सारी फिर रमण करने लग गया मन। मक्खी का जो उदाहरण दिया इस मन के संदर्भ में वो काफी ठीक है, इस मन की दशा ऐसी ही है। यहां भगवान ने कहा मन समाहरण या इण जीवे एक गगंग जण आई, एक गगंग जण माने नान पजवे जण आई। गौतम यह मन अगर अच्छी जगह लगाया जाए, लगाएं, वह मन समाधारणता है। सम लगा दिया ना तो अच्छा अर्थ निकला, अगर ना लगाते तो ये तो फिर करता ही, जहां इसका मन होता वहां जाता मक्खी की। अच्छी जगह, अच्छे स्थान पर, अच्छी बात में लगाया तो समाधारण शब्द बना वहां, वहां पर मन के लगाने से क्या होगा। पहली बात बताएं, एक गगन जनाई यह एकाग्र होकर के ठहर जाता है, मन ठहर गया, ध्यान में उतर गया, स्थिति वहां पर चली गई, बन गई। और फिर इससे भी क्या हुआ, जब यह भाव आ गया एकग्र जन यत्ता एकाग्रता, उसमें रमण आने के बाद में नान पज्जवे जनई, यह ज्ञान के भावों में रमण करता, बड़े काम की चीज है मन समाधारणता। अगर कोई अभ्यास करे इस बात का, इस मन को यहां लाने का, लगाने का, तो यह कर्म निर्जरा का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन अगर वहां नहीं लगता है तो समाधारणता बनेगी नहीं। संसार संसार के बातों के अंदर
ये रमण करेगा, पाप में रमण करेगा, कर्म बंद होंगे। वेद का वचन है, वैदिक धर्म परंपरा का सर्वोच्च ग्रंथ, उसमें कहा मनोमयम अयम पुरुष है। यह जो पुरुष है, यह जो मनुष्य है, यह जैसा मन होता वैसा बन जाता, मनोमयम, जैसा मन होता उसी तरह का होता है। मन अच्छा हो आदमी अच्छा है, मन खराब हो तो आदमी भी कैसा होगा। ये तो सारी चाबी इसके हाथ में आ गई, इस मन के उसमें आ गई। मन अच्छा है तो व्यक्ति व्यक्ति का जीवन अच्छा है, और मन अगर खराब है तो बंधु हो तो व्यक्ति और व्यक्ति का जो जीवन है वह खराब है। इसलिए इस बात के ऊपर ध्यान देना परम आवश्यक है। इस मन से सारी बातें बनती हैं, अच्छा बुरा मन की स्थितियां हैं, उससे ही सब कुछ होता है। अब इस बात की एकाग्रता की, मन के अच्छे बुरे की बात हम शास्त्र के दूसरे एक प्रसंग के द्वारा उसको और थोड़ा सा समझते। प्रसिद्ध है, कोई अप्रसिद्ध नहीं है, सुना जाना पढ़ा हुआ प्रसंग है। भगवान से ये पूछा, कहं चरे कहं चिट्ठे कहं मासे कहं से कहं भुंजंतो भासंतो पावक कमंग न बंधई। याद होगा आपको, भगवान कैसे चलना चाहिए, कहं चरे कहं चिट्ठे, और कैसे ठहरना चाहिए। कहां मां से कहां सही, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। कहां भुंजंतो भासंतो, कैसे खाना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। ये सारी क्रियाएं हो गई जो हम मनुष्यों की या जीवों की क्रियाएं हैं। ये सारी क्रियाएं, इन सारी क्रियाओं के करने में कर्मों का बंध होता है। भाइयों बहनों, बात को तत्व को समझ लो। ये सब करने से, क्रियाओं के करने से कर्म का क्या होता है, बंध होता। इसीलिए पूछा गौतम स्वामी ने, पाव कमंग ने बंधई, भगवान ऐसा कोई तरीका बताओ, ऐसा उपाय बताओ, क्योंकि ये क्रियाएं करने के बिना तो जीवन चल नहीं सकता, ये तो करनी पड़ेंगी। कौन आदमी है जो उठना बैठना चलना सोना खाना आदि आदि भूलना ये न करे, इससे रहित हो जाए, तो वो कैसे संभव है। और फिर ये सब करते हुए फिर व्यक्ति को पाप बंध न हो, ये कैसे हो सकता। एक वैदिक दोहा उसमें कहा, खाते पीते हर मिले परमात्मा, रोटी भी खाने पानी पीने खाते पीते सब जो खाने पीने की चीजें हैं, और फिर परमात्मा मिल जाए। खाते पीते हर मिले तो हमें भी कहिए, भाई बताना क्या तरीका है, क्या उसका रास्ता, परमात्मा कैसे मिलता है। परंतु खाते पीते हर मिले तो हमें भी कहियो, सिर दिए पर हर मिले चुपके रहियो। कोई यूं कहे सिर देना पड़ेगा, अपना घर जाओ अपना काम करो, हमारे को नहीं चाहिए ऐसा परमात्मा जिसके लिए इतनी कुर्बानी करनी पड़े, इतना करना पड़े, फिर नहीं चाहिए। यहां भी थोड़ी मिलती हुई बात है, खाते पीते ये सारे काम करते हैं और पाप कर्म का बंध ना हो। पाप नहीं बनेंगे तो परमात्मा मिलना क्या, परमात्मा ही हो जाएंगे, कैसे संभव है। उसका उपाय भगवान ने बताया, एक शब्द दिया जयम, जिसका अनुवाद और अर्थ होता है यतना,
क्या अर्थ होता है? यत्न। जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं से जयं भुंजंतो भासंतो। और सुनो, पाप कर्म न बंधई, भगवान ने कह दिया पाप कर्म का फिर बंध नहीं होगा। क्या? यतना से चलो, विवेक से चलो। यतना और विवेक पर्याय वाची है, ये दोनों के दोनों। यतना से चलो, जैंग चरे जैंग चिट्ठे, खड़ा होना हो यतना से, और इसी तरह बैठना हो यतना से। इसी तरह से खड़ा होना है, बैठना है, सोना है, जो कुछ करना है, खाना है, पीना है, जो करना है वह यतना के साथ में करो। पाप कर्म न बंधे, पाप कर्म का बंध नहीं होगा, बंध हो। ये बात मैं और कोई साधु छद्मस्त नहीं कह रहा, भगवान कह रही। और जब भगवान ने कह दिया फिर तो अविश्वास का कोई स्थान नहीं। भगवान ने कह दिया ठीक है, पर एक बात बता दे, जयं चरे यतना से करना। ये जो यतना है ये बड़े काम की चीज है। और जो मन समाधानता की बात है वो तभी आएगी जीवन के अंदर यतना हो, यतना के साथ किया जाए। यतना अर्थात विवेक के साथ किया जाए तो कर्म बंद नहीं होता। ये यतना बंधुओं बहनों है बड़े काम की चीज। हम इसे माने न माने, करें न करें, रखें न कर रखें, ये हमारी अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर है, हमारी सोच पर है, परंतु है बड़े काम की चीज।